असवारा शहील के हसार में पुरसकून नींद सो रही थी। शहील ने इसकी नाजुक तबीयत की वजह से थोड़ी देर में ही इसे सुला दिया था। असवारा अभी काफी कमजोर थी, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने शहील को सख्ती से इसका ख्याल रखने को कहा था। शहील पहले ही जाग चुका था, अब चमकती आंखों से अपनी प्यारी सी दुनिया को देख रहा था, जिस जैसा गुनाहगार के लिए किसी इनाम से कम नहीं थी। ये सच था, शहील मुराद की जिंदगी असवारा थी। इसकी हर सांस ये गवाही देती थी कि वह असवारा के लिए जी रहा है। अब ये तोहफा परवरदिगार ने इसे दिया था, इसका कोई मोल नहीं था। शहील मुराद इस नेमत को पाकर बेपा खुश था। शहील असवारा की पेशानी पर बोसा दिया और उठने लगा, पर अपनी शर्ट पर उंगलियों की गिरफ्त ने ऐसा नहीं होने दिया। शहील मुतबस्सम सा इसे देखने लगा, जो नींद में भी इसकी दूरी बर्दाश्त नहीं करती थी। ये असवारा की आदत थी, वह जब भी सोती शहील की शर्ट को मुठियों में दबोच कर सोती। रात में जब भी शहील उठता तो फौरन उठ जाती, जैसे इसका डायनो इसे छोड़ जाएगा। असवारा सब कुछ होने के बावजूद सहमी सी रहती थी। एक खौफ था जो इसके दिल में अपने पंजे गाड़ कर बैठा था। इसे लगता था कि शहील इसे दूर हो जाएगा, फिर से अकेली हो जाएगी। शहील ने मुस्कुरा के इसके माथे पर आए बलों को हाथ से सही किया और बेदाग पेशानी पर बोसा दिया। ना करो प्रिंसेस, अगर मुझे दोबारा तुम्हारी सांसों का नशा चढ़ाना तो सारा दिन रूम से बाहर नहीं निकलने दूंगा। शहील की मायने के इस बात पर असवारा की नींद के खमार से भरी आंखें झट से खुली थी। खुद पर झुके शहील को देखकर पलके लर्ज उठी थी। रात को तो आसानी से बख्श दिया था, मगर अब खुद इसके अंदर के डेवल को जगाया था। इससे पहले कि असवारा अपने हवास बहाल करती, शहील इसकी सांसों को अपनी तड़पती सांसों में मिला चुका था। असवारा सख्त गिरफ्त में फड़फड़ा उठी थी। शहील की तो जैसे मन की मुराद भर आई थी। सुबह सुबह इतना शानदार आगाज, असवारा की जान अधमुही हुई थी जब शहील इसके लबों को सांस लेने की मोहलत देकर फिर से इसकी नाजुक पनखड़ियों पर अपने लब जमा चुका था। शहील मान चुका था कि वो कभी इस लड़की के नशे से खुद को नहीं रोक सकता। असवारा ने सांसें रोकने पर इसके कॉलर को मुठियों में जकड़कर झटका दिया था। तब जाकर शहील ने इसके भीगे लबों को अपनी गिरफ्त से आजाद किया था और बिना इसकी तरफ देखे छपाक से बाथरूम में बंद हो गया। वरना असवारा से कोई बैद ना थी, आज इसके बाल ही नोच डालती। आज शीश खुद इसे हॉस्टल छोड़कर आया था। वो बहुत उदास थी, कल की साकब की हरकत पर किसी को बता भी नहीं सकती थी। हिना जल्दी से यूनि के लिए रेडी हुई और ड्राइवर को कार यूनि ले जाने का कहा। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की और यूनि वाले डोर पर डाल दी। अभी इन्हें 5 मिनट ही हुए थे कि इनकी गाड़ी के आगे ब्लैक BMW कार रुकी। कुछ स्याफाम गुंडे इसमें से बाहर निकले। हिना इन सबको अपनी तरफ आता देखकर जल्द पड़ते रंग से मोबाइल निकाला। शीश को कॉल मिलाने लगी, मगर कपकपाहट इतनी थी कि इसे नंबर नहीं मिल रहा था। जैसे तैसे करके इसे नंबर मिलाया, मगर तब तक वो स्याफाम गाड़ी का कांच तोड़ चुके थे। हाय, यू कम आउट ऑफ द कार, वो हिना का हाथ पकड़े से बाहर निकालने लगे। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम लोग, क्या चाहते हो, छोड़ो मुझे, हिना रोते हुए खुद को छड़वा रही थी। मगर वो नाजुक सी लड़की कहाँ तक इन मिस्टंडों का मुकाबला करती। खौफ से बेहोश हो गई। गुंडों ने ड्राइवर को पहले ही मार दिया था, जाते हुए एक चिट छोड़ गए थे कार में। हिना को इन स्याफाम गुंडों ने कार में डाला और इसी जगह ले जाने लगा जहाँ का ऑर्डर मिला था। दूसरी तरफ हिना ने गलती से शीश की जगह साकिब का नंबर मिला दिया था। साकिब हिना की चीखों पकार सुनकर फौरन गाड़ी मोड़ चुका था। खुद यूनि के रास्ते पर था। हिना की गाड़ी में लगे GPS से वो पहले इसकी लोकेशन ट्रेस कर चुका था। कुछ ही देर में वो वहां दौड़ता हुआ पहुंचा, लेकिन वहां सिर्फ हिना की गाड़ी मौजूद थी, ड्राइवर जिसका बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। साकिब ने जब से मुठियां भेजी अपने फोन से किसी को कॉल मिलाने लगा। मुझे अगले 5 मिनट में हर रोड ब्लॉक चाहिए, कोई गाड़ी बगैर चेकिंग के नहीं गुजरनी चाहिए। साकिब ऑर्डर देता हुए कॉल काट ही थी कि खुद गाड़ी लिए वहां से निकला। साकिब पागलों की तरह हिना को हर जगह ढूंढ रहा था, लेकिन हिना इसे ना मिली। साकिब की आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी, इसे नहीं समझ आ रही थी कि क्या करे। हिना की आंख खुली थी, इसने अपने आप को एक अंधेरे कमरे में पाया। हिना उठकर दरवाजे की तरफ भागी, दरवाजा बजाने लगी। प्लीज कोई है, मुझे निकालो यहाँ से, प्लीज हेल्प मी, मुझे डर लग रहा है, प्लीज दरवाजा खोलिए, हिना रोते हुए चीख रही थी। तभी अचानक दरवाजा खुला, 3 लोग अंदर आए। हिना इन गुंडों को अपने पास आता देखकर सहम गई थी। वो तीनों शैतानी हंसी हंसते हुए हिना के करीब आने लगे। हिना ने आंखें बंद करके रब को पुकारा, ये रब तेरी बंदी हूँ, तू ही मेरी इज्जत की हिफाजत करने वाला है। हिना रोते हुए रब से इल्तिजा कर रही थी। तभी कोई आंधी तूफान बना वहां आया और इन पर पल पड़ा। सारे गुंडों पर वो अकेला ही भारी पड़ रहा था। हिना ने सहम कर खुद को मजीद अपने दुपट्टे में छुपाया।
वो सब मार खा कर वहां से जा चुके थे। हिना धुंधलाई आंखों से साकब को देखने लगी, जो अल्लाह की रहमत बनकर इस तक पहुंचा था। अगर साकब अब ना आता, ये सोच ही रूह खींचने वाली थी। हिना दौड़कर साकब के सीने से लगी और सख्ती से इसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ा। साकिब को साकत खड़ा देखा था, इसने हिलने तक की हिम्मत बाकी नहीं थी। जिस लम्स ने रूह को झुलसा रखा था, मुयसर भी आया था तो किस वक्त, जब वो टूटी बिखरी सी इसकी बाहों में थी। साकब ने इसकी हिचकियां भरते वजूद को अपनी हिफाजत भरे हसार में लिया, नामहसूस अंदाज में इसके बालों पर लब रखे। साकब ने उमड़ते जज्बात को लगाम डाली और हिना को खुद से अलग किया, अपने साथ लिया बाहर आया। यहाँ शीश इन गुंडों से निपट रहा था, बुरी तरह सबको लहूलुहान हुए पड़े थे। साकब आने से पहले शीश को इन्फॉर्म कर चुका था, वो दोनों आगे पीछे इस एरिया में आ पहुंचे थे। भाई, हिना की दर्द भरी पुकार सुनकर शीश ने इसकी तरफ देखा, भाग कर इसे अपनी मताया हयात की तरह सीने से लगाया। हिना पागलों की तरह भाई से लिपट कर रो रही थी। साकब भी मारपीट से जख्मी हुआ था। शीश ने हिना को अपने हिसार में लिए साकब से अपना तारुफ करवाया और इसका शुक्रिया अदा किया। वो फोन पर ही इसे पहले अपने मुताबिक की कहानी बता चुका था। शीश हिना को लिए अपने साथ घर आया। इम्तिसाल खान सामा से कोई बात कर रही थी। हिना की बिखरी हाल देख कर शौक हुई, दौड़ कर इन दोनों के पास आई। हिना, ये क्या हुआ तुम्हें और तुम? इम्तिसाल अभी कुछ पूछ ही रही थी कि शीश की सुर्ख आंखों पर नजर पड़ी। इम्तिसाल जान गई थी कि जरूर कोई बड़ी बात हुई है, इसलिए फौरन से हिना को अपने हिसार में लिया, रूम की तरफ ले गई और मजीद सवाल शीश इब्राहिम की आंखों की सुर्खी ने दबा दिए थे। इम्तिसाल हिना को रूम में लाई और बेड पर बैठाया। हिना बिना किसी चूंच रा किए बेड पर बैठ गई और किसी गैर मरी नुक्ते को घूर रही थी। इम्तिसाल इसके पास बैठे इसके गिद बाजू फिलाकर सीने से लगाया। हिना हमदर सहारा पाकर फूट फूट कर रोने लगी। इसकी नजरों में बार बार आज हुआ हादसा घूम रहा था। अगर आज वाकई कुछ हो जाता तो वो कहाँ जाती? कैसे ये सोच रूह फिशां थी, आप ही वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं थे। हिचकियों में वो यहाँ यहाँ गंदा टच कर रहे थे। हिना बोलकर बच्ची की तरह इसकी गोश में छुपकर रोने लगी थी। इम्तिसाल भी इसकी तड़पती बिखरती हालत पर आंसू बहाने लगी। गुड़िया, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, कोई भी तुम्हें नहीं छुएगा मेरी जान, बस चुप हो जाओ। शीश इस वक्त अपने पर्सनल रूम में था और पंचिंग बैग पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। इसका दिल चाह रहा था कि सारी दुनिया को आग लगा दे। कैसे वो गलीज इंसान इसकी बहन तक पहुंच गया, इसकी हिम्मत इतनी कि कैसे बढ़ गई। शीश के दोनों हाथ जख्मी हो गए थे लेकिन इसे कोई परवाह नहीं थी। शीश ने फोन पर आने वाली कॉल पर अपना हाथ रोककर कॉल पिक की। दूसरी तरफ जो कहा गया था, शीश की रगे गुस्से से उभरने लगी थी। माथे पर बेशुमार बलों का इजाफा होने लगा था। शीश ने अपने जख्मी हाथ को इस कदर जोर से भींजा कि भल भल खून बहने लगा। साकब अपने रूम में आते ही बंद हो गया था। दो मिनट में ही पूरे कमरे का हशर बिगाड़ चुका था। इसकी नजरों में बार बार हिना की रोई रोई सुर्ख आंखें घूम रही थी। कितना बेबस महसूस कर रहा था वह खुद को। अगर एक सेकंड की भी देरी हो जाती तो हिना इसे आगे की सोच ही जानलेवा थी। इससे समझ नहीं आ रहा था कैसे हिना से बात करे। साकब इसकी वजह से बेहद परेशान था। वह जानता था हिना इस वक्त किस कैफियत से गुजर रही थी। क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? अगर आज इसे कुछ हो जाता तो मेरे साथ ही क्यों? लेकिन अब बस जिन लोगों ने भी मेरी बिल्ली के साथ ये सब किया, सूद समेत ना लुटाया तो मेरा नाम भी साकब शाहजेब नहीं। साकब सुरख लहूलुहान आंखें लिए धार रहा था। साकब बेड पर बैठकर गहरे सांस लेने लगा। शीश की हालत किसी जख्मी शेर की माने थी, लेकिन डेवल को नहीं पता था कि वो सोए शेर को जगा चुका है जिसकी चंगाड़ इसे चीर फाड़ कर रखने वाली है। शीश की खामोशी बेहद पुरसरायत लिए हुए थी। आज के हादसे के बाद वो घायल शेर बना डेवल को तलाश कर रहा था। शीश अपने खास आदमियों से शख्स का पता लगवा चुका था जिसने ड्राइवर को गोली मारी थी। हिना के साथ वो सब किया। शीश का रुख अब पुलिस स्टेशन की जानिब था जहां वो सब गुंडे थे। पुलिस इन्हें अरेस्ट कर चुकी थी। शीश भिभरा हुआ शेर बना पुलिस स्टेशन पहुंचा और सीधा ऑफिसर के सर पर धाड़ने लगा। वेयर आर दे बास्टर्स? शीश सर्द आवाज में धाड़ा। वेट सर, आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन बट प्लीज बी कॉम, वी हैंडल देम। ऑफिसर इसे गजबनाक तेवर देख कर मुसल्लत अंदाज में बोला था, लेकिन अगले पाले इसका गिरेबान शीश के हाथों में था। डिड यू नो डेट हु आई एम? डोंट यू डेयर टू ऑर्डर माई, अदरवाइज आई विल नॉट कंट्रोल माई सेल्फ। ऑफिसर ने गहरा सांस भरकर इसके हाथ अपने गिरेबान से हटाए और इसे साथ चलने का इशारा किया। शीश तेज कदम उठाता हुआ इसके पीछे चलने लगा। लॉकअप के सामने रुककर शीश ने इससे कीज ली, खुद अंदर दाखिल हो गया।
सारे गुंडे इसे देखकर घबराते हुए उठकर खड़े हो गए थे। शीश इनके नीले पड़ते चेहरे देखकर तमस्कर से मुस्कुराया। अगले पल वो शीश की तरह इन पर झपट पड़ा था। वो एक चार लोगों पर भारी पड़ रहा था। शीश की मार से चारों अधमुंह होकर जमीन पर पड़े थे, दर्द से कराह रहे थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई इसे रोक सके। शीश ने अब इस स्याह फॉर्म को गर्दन से दबोचा, जिसने हिना का बाजू पकड़ा था। इसका सर दीवार में दे मारा। स्याह फॉर्म बुरी तरह जख्मी हो चुका था। हु इज योर बॉस, टेल मी हु, आंसर मी, डैम इट, शीश ने इन्हें ठोकरों से मारते हुए पूछा, जहां इनमें से एक मुंह से चीख की सूरत में नाम निकला। शाहजेब, हिज नेम हिज शाहजेब इब्राहिम। शीश नाम सुनकर अपनी जगह पर पलकों साकत हो चुका था। इसे यकीन नहीं आ रहा था, शाहजेब यानी इसका अपना ताया इसकी फैमिली को नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन दूसरी पाल इसने अपने ख्याल को झटका कि कोई शाहजेब और भी हो सकता है। शीश इसे वहीं कराता हुआ छोड़कर बाहर की तरफ भागा था। इसे किसी भी तरह शाहजेब के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी थी। न जाने वो कहाँ था। शीश का दिल अब भी मानने को तैयार नहीं था। इसका अपना खून ऐसा कुछ कर सकता है। हिना रोते रोते इम्तिसाल की गोद में सर रखे सो चुकी थी। सारी रात इम्तिसाल इसके पास रही। फजर की जानों के करीब इसकी आंख खुली तो इसकी नजर दीवार गिर घड़ी पर पड़ी, जो पांच का हिस्सा अबूर कर चुकी थी। इम्तिसाल ने प्यार से हिना का सर अपनी गोद से हटा के इसे तकिए पर लटाया और बाहर आ गई। अजाने हो चुकी थी। इसे सोचा पहले नमाज पढ़ लूं, फिर शीश को देख आऊंगी। इम्तिसाल ने वजू कर नमाज अदा की और रो रो कर अपने रब का शुक्र अदा किया, जिसने हिना को महफूज रखा। वरना हिना की हालत देखकर इम्तिसाल का दिल डूब कर उभरा था। इसे हिना में वही इम्तिसाल नजर आई थी जो वो पांच साल पहले थी। सही कहते हैं, मकाफात अमल अटल है। शीश ने जो कुछ किया वो इसके आगे आया था। इंसान अपने किए के नला नहीं होता, लेकिन अल्लाह पाक याद रखता है अपने बंदों को। जुल्म करने वाले को नहीं पता होता कि इसकी कब कहाँ किस सूरत में पकड़ हो जाए। अल्लाह की पकड़ इंसान की अकड़ एक मिनट में निकाल देती है। ये सब शायद हुर्म की दुआएं ही थी जो हिना की इज्जत महफूज थी। इम्तिसाल दुआ मांगकर जाए नमाज तय की और स्टडी रूम का रुख किया, क्योंकि शीश अक्सर औकात वहीं होता था। इम्तिसाल स्टडी रूम में दाखिल हुई, इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई, मगर रूम पूरा खाली था। यानी शीश सारी रात घर नहीं आया था। इम्तिसाल ने सर्द आप भरी और हिना के कमरे में चली आई। हिना भी बच्चों की तरह खुद को समेट कर सो रही थी। नींद में भी इसके चेहरे पर खौफ वाजिया था। इम्तिसाल इसके पास बेड पर बैठी और कुरानी आयात पढ़कर दम करने लगी। हिना फिर से पुरसकून होती सो गई थी। इम्तिसाल गौर से इसके पतले नकुश देखने लगी। वो पूरी बनी बनाई शीश की कार्बन कॉपी थी। तीखे नकुश में घुली सुर्खी दोनों बहन भाइयों को मजीद खूबसूरत बनाती थी। इम्तिसाल ने असूदगी से नहारते हुए इसकी पेशानी पर अपने लब रखे। इसके घने बालों में उंगलियां चलाने लगी। इम्तिसाल जानती थी हिना बहुत डरपोक है, बहुत जल्द डर जाती है, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह, जिसे सिर्फ शरारतों की आदत थी। ऐसे हालात कभी इसने फेस नहीं किए थे। इस वाक्य को दो हफ्ते गुजर चुके थे, लेकिन हिना अभी तक डर और खौफ के हसार में जकड़ी हुई थी। इन दो हफ्तों में साकब अपनी मोम के साथ दो चक्कर लगा चुका था। आयशा बेगम ने भी इंतहाई इंतराम से शीश और इम्तिसाल से हिना का हाथ मांगा था, जिस पर शीश ने भी शायस्तगी से इन्हें हुरम के बारे में बताया कि वो पहले इनसे बात करेगा, इस बाबत जो इनका फैसला होगा वही हमारा। अलबत्ता साकिब शीश की बात पर मजीद बेकरार हो गया था। दो हफ्ते हो गए थे दुश्मन जाना को देखे हुए, अब फिर न जाने कब तक इंतजार की सूली पर लटकना था। इसे यकीन था कि वो बाद में खुद हिना को मना लेगा। साकिब ने शीश को हिना को इसके बारे में कुछ बताने से मना कर दिया था। शीश ने हुरम को वीडियो कॉल मिलाई, अगली फ्लाइट से लंदन आने का बोला, जिस पर पहले तो हुरम हैरान हुई, लेकिन इम्तिसाल के खसूसी असरार पर मान गई। वो समझ रही थी वो इनके अकेलेपन की वजह से इन्हें बुलवा रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ और थी। हिना ने यूनि जाना शुरू कर दिया था, लेकिन इस हादसे के बाद हिना इब्राहिम पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी किताबों में गुम रहती थी, किसी से भी गुफ्तगू ना करती थी सिवाय जजा के। जजा को खुद हिना के रवैये से खौफ महसूस हो रहा था। वो नाजुक सी गुड़िया खामोश हो गई थी, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, बहुत बिखरी बिखरी सी थी। हिना अभी लाइब्रेरी रूम में जा रही थी कि इसकी टक्कर सामने से आते साकब से हो गई। साकब ने कमर से थामकर हिना को गिरने से बचाया। दूसरी तरफ हिना खुद को किसी की गिरफ्त में पाकर झंझला उठी थी, हवास काम करना बंद कर चुके थे। साकब का हाथ इसे अपनी कमर पर रिंगता सांप महसूस हुआ था। हिना ने पूरी कुव्वत लगाकर इसे खुद से दूर किया था। गहरे सांस भरने लगी। साकब की दहकती सांसों की खुशबू इसे बहुत करीब से महसूस हुई थी। इसे लगा इसका रूम रूम साकब की सांसों की महक में डूब जाएगा। हिना ने झटके से साकब को खुद से दूर किया, गहरे सांस भरने लगी। इसे समझ नहीं आ रहा था कैसा रिएक्ट करे।
साकब तहीर से इसे देखने लगा जो डर और खौफ से कांप रही थी। साकब ने सोच लिया था वह किसी भी तरह हिना का डर दूर करके रहेगा। इसी साल से देखना साकब की बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। साकब ने कुछ सोचकर हिना का हाथ पकड़कर इसे अपनी तरफ खींचा। हिना एक चीख के साथ इसके जुड़े वजूद का हिस्सा बनी। कुछ नहीं है ना, मेरी तरफ देखो एक बार, मैं हूं ना आपके साथ, कोई नहीं है इधर, साकब इसे खौफजदा देखकर बोला। हिना भी कुछ अपने हवासों में लौटी और साकब को खुद से दूर किया। आप यहाँ छोड़िए मुझे, खबरदार आज के बाद मुझे आपने हाथ भी लगाया। मैं आपको कितनी बार समझाया था कि ये मुझसे दूर रहा करें, आपको समझ क्यों नहीं आती, हिना रोते रोते बोली। साकब ने शानों से जकड़ कर खुद के करीब किया, सद आवाज में इसके कान के करीब सरगोशी करने लगा। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती, नहीं रख सकता मैं तुमसे दूर, सांसें रुकने लगती है तुमसे दूर जाने का सोच के भी, खबरदार आज के बाद मुझसे छोड़ने की बात की तो मैं जान से मार दूंगा तुम्हें भी और खुद को भी। हिना दम साधे इसकी बातें सुन रही थी। इसे आज साकब की आंखों में अलग ही जुनूनियत दिखाई दी थी। एक आग थी इसके लहजे में, जैसे अगर वो दूर हो गई तो वो राख हो जाएगी। आप क्यों नहीं समझते, नहीं मैं आपके काबिल, ना इस वक्त वहां पर जब मेरे साथ वो सब हुआ, मैं मर जाऊंगी साकब, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे अकेला रहना है, मैं किसी के काबिल नहीं, आप समझिए इस बात को, मेरे रास्ते में कभी मत आइएगा वरना मैं खुद को जान से मार दूंगी, हिना सुर्ख आंखों से घूरते हुए बोली। इसके बरक्स साकब ने मुस्कुराकर इसका जंगली बिल्ली वाला रूप देखा था। ओ मेरी जंगली को गुस्सा आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए माफ करता हूँ, सारे हिसाब हमारे वेडिंग नाइट के लिए रखते हैं, लेकिन याद रखना इस रात तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, साकब चिढ़ाते हुए बोला था। साकब की गुफ्तगु सुनकर हिना कान की लो तक सुर्ख पड़ गई थी, घूर कर इसे देखने लगी जो बेशर्मों की तरह मुस्कुरा रहा था। मुझे पता था कि आप बदतमीज हैं, सड़ियल है, मगर इतने घटिया होंगे मुझे उम्मीद नहीं थी, आपसे कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो मुझसे, आपकी हिम्मत कैसी है मुझसे ऐसी बातें करने की, आपको पता है अगर मेरे भाई को पता लग गया तो आप खड़े खड़े कत्ल हो जाएंगे, हिना ने इसे अपनी तरफ से डराने की नाकाम सी कोशिश की थी, जबकि दूसरी तरफ साकब ने इसकी धमकी सुनकर कहका लगाया था। जाओ हिना बेबी चली जाओ, इस वक्त मेरे जज्बात तुम्हारी मासूम अदाएं देख कर बेकाबू हो रहे हैं, फिर बाद में तुमने मुझे घटिया इल्जाम दे देना है और मैं बगैर किसी हक के तुम्हें अपना एहसास नहीं दिला पाऊंगा, हिना इसकी बेबाक गुफ्तगु पर तपती हुई पांव पटकती वहां से निकलती चले गई। साकब इसे इस तरह से पहले वाले रूप में देखकर मुस्कुराता हुआ इसके पीछे गाड़ी निकालने लगा।